आज का हमारा वीडियो कुछ खास है क्योंकि ये समस्या मैंने बहुत सारे लोगों में देखी है कि वो बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करने के बाद भी एक अच्छी साफ़ सुथरी स्किन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने ये शेयर करने का आपके लिए, मुझे ये वीडियो अच्छा लगा इसीलिए मैंने ये अब की बार टॉपिक चुना है अपने वीडियो का। तो सबसे मेन बात जो ये है इसकी, इसके रिज़ल्ट बहुत धीरे मिलते हैं, लेकिन ये होम्योपैथी है इसलिए इसका रिज़ल्ट अच्छा है पर धीमा है। इसका जो अगर हम ऑनेस्ट रिव्यू करें इसका, तो ये मुझे सबसे इसकी अच्छी बात लगी है कि ये रिज़ल्ट देती है लेकिन कुछ टाइम लेती है। लेकिन जब हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करके अपनी स्किन को अच्छा बना चुके हैं, फिर भी हमें सिर्फ इंस्टेंट रिज़ल्ट तो मिल रहे हैं, लेकिन वो रिज़ल्ट एक बार के लिए होता है या उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। बहुत सारी बार हमने ये देखा है कि हम कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट उठा लेते हैं और उसके हमें कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आ जाते हैं। लेकिन मैं वर्षों से होम्योपैथी यूज़ कर रही हूँ तो मुझे किसी भी केमिकल वाले प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं है, हालांकि मैं यूज़ करके देखने के लिए वो ले लेती हूँ। अभी मेरे पास होम्योपैथी की एक ये कैलेंडुला एलोवेरा है, और लेकिन अगर बात करें पिंपल्स की, एक्ने की और अंडर आई क्रीम की, तो ये देख सकते हैं, आप देख रहे हैं इसका यूज़ है एक्ने, ब्लॉचेज एंड पिंपल्स, एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस, आइडियली एडवाइज्ड फॉर डार्क रिंग्स अराउंड आईज, जिनकी आँखों के चारों तरफ काले घेरे हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हैं, या फेयरनेस ऑफ स्किन टेक्सचर। ये ड्राई एंड रफ़ स्किन के लिए है, आप देख सकते हैं, मैं पास से दिखा रही हूँ। अब आप देखिए कि डायरेक्शंस क्या है इसके यूज़ करने के। रब ग्लो केयर जेंटली ऑन योर फेस एंड स्किन विद सर्कुलर मोशन ऑफ योर फिंगर टिप्स, लीव द एप्लीकेशन ओवर नाइट, यानी कि ये नाइट क्रीम का काम कर रही है। और ये आपकी इसकी डिटेल्स देख सकते हैं, लॉर्ड्स की है, होम्योपैथी मेडिसिन है ये, ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज़, 25 ग्राम्स में। और मुझे ये मिली है, इसके प्राइसेस आप ये देखिए, मैं आपको कार्टून दिखा देती हूँ, 80 रुपीज़ ओनली में, 80 रुपीज़ में 25 ग्राम्स है। और कंज्यूमर, एज ए कंज्यूमर इसकी बात करें तो एप्लीकेशन करने के बाद काफ़ी अच्छा है ये। और अगर फेयर एंड लवली जैसी क्रीम की मुकाबले की इससे बात करें तो फेयर एंड लवली से इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन जैसे ही आप फेयर एंड लवली लगाना बंद कर देंगे तो फिर स्किन वापस काली हो जाती है। लेकिन इसमें जो मैंने पाया है तो ये मल्टीपर्पज़ भी है, और अगर मेनली बात करें तो ये कॉम्प्लेक्शन क्रीम है। कॉम्प्लेक्शन क्रीम के इसमें जो मिक्सचर किए गए हैं, बर्बरी सैक्विफोलियम है, बर्बरी सैक्विफोलियम जो होम्योपैथी के बारे में जानते हैं, ये स्किन को, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और ख़ास कर कि जब फेयरनेस की बात आती है तो फर्स्ट जो नाम आता है होम्योपैथी मेडिसिन में वो होता है बर्बरिस एक्विफोलियम का। सेकंड पे इसमें आ रहा है हाइडेस्टिस और लीडमपाल। लीडमपाल भी स्किन के लिए भी अच्छा है और इसके बहुत सारे यूज़ हैं, हाइडेस्टिस के भी काफ़ी सारे यूज़ हैं। हाइडेस्टिस को हम अन्य बीमारियों में इंटेक करने के लिए भी काम में लेते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें नॉन ग्रीजी क्रीम बेस है, कुछ मात्रा में इसमें अल्कोहल पाया जाता है लेकिन ये बहुत कम होता है, इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट मुझे नज़र नहीं आया है। इस मैं ये कोई प्रेस्क्रिप्शन आपको नहीं बता रही हूँ, ये ओनली अपना कंज्यूमर रिव्यू जो है वो दिया गया है। दिस इज़ नॉट सेलिंग पर्पस, सेलिंग पर्पस से भी ये वीडियो नहीं बनाया गया है, और सिर्फ कुछ लोगों के लिए जो केमिकल्स का यूज़ करके बहुत परेशान हैं उसके लिए हमने ये। इसके साथ ही मैंने ये वाला भी यूज़ करके देखा है, जो ब्लड प्यूरीफायर जिसे
बोलते हैं, ब्लड प्यूरीफायर है और ये डॉक्टर रेखवेग का है। अगर इसके साथ इनटेक के लिए ये वाला लेंगे और तो लगाने के लिए ये वाला लिया है, तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला है, आप देख सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस क्रीम से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये देखिए, और इसके अलावा मैं आपको इनके भी बारे में बताऊंगी। ये विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है और ये वाला भी यूज़ किया है तो ये भी, इसका भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। वो मेरे दूसरे चैनल पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसके, इन सभी के, ऑयल्स के भी, हेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके वीडियोस भी आपको मेरे सेकंड चैनल पे, उसका नाम है लाइफ विलेज लाइफ विद कौशल एंड फैमिली, उस चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप वहाँ से जा कर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जेन्युइन जो रिव्यूज़ हैं सिर्फ जानकारी के लिए दिए जा रहे हैं, और ये पर्सनल यूज़ करने के बाद जानकारी जो मुझे मिली है उससे। ये देखिए आप, SBL का, और इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा मिला है। कुछ लोगों ने, जैसे मैंने इसका वीडियो बनाया था तो पूछा था कि ये क्रीम जो है, इनमें से एक और थी एंजल ग्लॉस का भी मैं आपको दूंगी रिव्यू, तो वो पूछा था कि एंजल ग्लॉस जो है कैसी है, या ये लें या वो वाली लें, दोनों के बीच में वो उन्हें कंफ्यूजन था। तो मुझे अपने हिसाब से ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी है, दोनों ही मैंने यूज़ की हैं लेकिन मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी है। उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, दूसरे चैनल पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सेकंड जो चैनल है। तो मुझे जो कंपैरेटिवली अगर देखें, कुछ लोग फेयर एंड लवली का यूज़ कर रहे हैं, उसका अगर इससे मुकाबला करें तो ये वाला बेस्ट लगा है, नेचुरल लगा है, क्योंकि मैं नेचुरल चीज़ों को प्रेफर करती हूँ। हो सकता है अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, बट मुझे ये वाला अच्छा लगा है, और आप देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी चीज़ लगी। इसमें कुछ मुझे ये वाली क्रीम अच्छी लगी है, और आप देखिए मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ। अधिकांश लोगों को स्किन की आजकल प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जिसके अगर किसी को फुल स्किन में कोई ना कोई स्किन डिजीज़ है, उसके लिए ये वाला जो है, इसे ब्लड प्यूरीफायर जो है, ब्लड को प्यूरीफाई कर देगा। कुछ लोगों में ब्लड में ही खराबी आ जाती है, पिंपल्स, एक्ने वगैरह हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो ये मैंने इसका भी प्रैक्टिकल यूज़ किया है, कंज्यूम किया है इसे, और इसका भी काफ़ी अच्छा मुझे रिज़ल्ट लगा। स्लो है रिज़ल्ट, बट अच्छा है। आप अपने विवेक के अनुसार इन चीज़ों को डॉक्टर की सलाह से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, होम्योपैथी जो है वो आपको इंग्लिश दवाओं के दुष्प्रभावों से बचाती है, और इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी समस्या से, स्किन की समस्या से बचने के लिए जो उपाय हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। अभी जितने भी सब्सक्राइबर्स इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ तक ये जानकारी पहुँचा रही हूँ, और हो सके तो ये वाली जानकारी आप आगे शेयर भी कीजिए, ताकि और लोगों को भी हानिकारक जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं उससे उनकी स्किन को मुक्ति मिले। आप ये जानकारी शेयर कीजिए, लाइक करने का मैं आपको नहीं कहती हूँ, लाइक कीजिए, आपकी इच्छा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, लेकिन ये जानकारी शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की, खासकर ये समस्या है कि उनके स्किन पर जो समस्याएं आ रही हैं, पिंपल्स वगैरह हैं, खासकर टीनेज के जो बच्चे हैं, तो ये वाली मुझे क्रीम का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा है यूज़ करने के बाद।
थैंक यू फॉर ये मैं आपको बता देती हूँ, ये ओनली ऑनेस्ट कंज्यूमर रिव्यू है, जो भी ऑनेस्टली मुझे अच्छा लगा है वही मैंने इसमें बताया है। आप ये यूज़ करके देख सकते हैं। अगर प्राइसेस की बात की जाए तो प्राइसेस भी रिजनेबल हैं और नेचुरल भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।